इज 1.4 उत्तरोत्तर आवर्धन सक्सेसिव मैग्निफिकेशन क्वेश्चन नंबर 2 4.26 बार 26 बार का मीनिंग है 26 की चेन है रिपीट हो रही है तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल नंबर है अशांत आवर्त परिमेय संख्या आपको दी हुई है तो वी कैन राइट इट हम इसे लिख सकते हैं 4.26 26 डॉट डॉट हमने सिर्फ अप टू 4 डेसिमल पॉइंट लिया है। फर्स्ट जो आपका स्टेप है सक्सेसिव मैग्निफिकेशन का वो होता है नंबर लाइन ड्रॉ करना पड़ती है तो मैंने यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ कर रखी है और वो नंबर लाइन होती है कि भाई गिविन जो नंबर है वो किन दो रेशनल दो होल नंबर्स के बीच में लाई कर रहा है कौन सी दो पूर्ण संख्याओं के बीच में लाई कर रहा है तो 4.2626 4 और 5 जो होल नंबर है आपका पूर्ण संख्या उनके बीच में लाई करता है तो मैंने यहाँ पे क्या किया नंबर लाइन ड्रॉ करी 4 के बाद हमने 10 इक्वल डिवीज़न किए हैं और 10th डिवीज़न पे क्या लिख दिया मैंने 10वें भाग पे लिख दिया 5 यानी मेरा होल नंबर। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा 4 के बीच में अप टू 1 डेसिमल तक के नंबर 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 एंड देन होल नंबर आ गया 5। फर्स्ट स्टेप यही होता है कि आप होल नंबर लिखिए और उनके बीच में अप टू 1 डेसिमल तक के जो भी आपके नंबर्स हैं वो राइट कर दीजिए। देन सेकेंड स्टेप में क्या होता है एक डेसिमल पोजीशन और बढ़ जाएगी। थर्ड स्टेप अगर आपको नीड हो रही है तो उसमें थर्ड डेसिमल पॉइंट तक आपको लिखना है नंबर्स। अगर आपके फोर्थ स्टेप की ज़रूरत है तो फिर आप उसको 4 डेसिमल पॉइंट तक जैसे यहाँ में हमारा ये क्वेश्चन 4 स्टेप्स में कंप्लीट होगा क्योंकि हमें अप टू 4 डेसिमल तक रिप्रेजेंटेशन करना है। ठीक है जो गिवन नंबर है वो 4 डेसिमल पॉइंट तक है तो यहाँ देखिए अब ये जो 4.2626 है वो हमारे किन दो डेसिमल नंबर के बीच में लाया कर रहा है इस नंबर लाइन के दिस 4.2 एंड 4.3 के बीच में लाई कर रहा है तो हम जो मैग्निफिकेशन करेंगे नेक्स्ट स्टेप में वो इन दो डेसिमल नंबर्स का करेंगे। देन फिर हमें अब क्या करना है मैग्निफिकेशन ऑन नंबर लाइन तो यहाँ पे एक नंबर लाइन तो बनाना ही पड़ेगी तो हम नंबर लाइन बनाएंगे एक नंबर लाइन बनाई मैंने आप अच्छी तरह फेयरली इसको स्केल के हिसाब से बनाइएगा। देन अब क्या करना है फर्स्ट जो नंबर लाइन का नंबर होगा वो होगा हमारा 4.2 देन उसके बाद इसे 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है आपका तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन्थ और ये जो टेंथ पार्ट है हमारा ये टेंथ पार्ट हमारा होगा कौन सा ये 4.3 ठीक है 4.2 एंड देन 4.3 ये 4.2 और 4.3 इनके बीच में अब हम देखिए यहाँ पे तक हमने 1 डेसिमल पॉइंट तक लिखा था एक दशमलव आपने जो पॉइंट लिया था वहाँ तक लिखा है अब यहाँ पे 2 डेसिमल्स में आएगा देखिए 4.2 से स्टार्ट हो रहा है तो 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 आप क्या कर रहे हैं 0.01 का इंक्रीमेंट कर रहे हैं इस डेसिमल में 0.01 देखिए 4.2 प्लस 0.01 देखिए ये अप टू 2 डेसिमल है तो इसे भी 2 डेसिमल तक फ्रेम किया बनाया 1 2 पॉइंट के नीचे पॉइंट एंड इसमें होल नंबर नहीं है तो 4+0 4.21 तो अब आपने क्या किया 4.21 4.22 4.23 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29 एंड देन 4.30 ओके 4.3 मीन्स 4.30 ठीक है। अब आप देखिए कि अब आपको नेक्स्ट स्टेप में किसका मैग्निफिकेशन करना है बिकॉज यहाँ तो अप टू 4 डेसिमल पॉइंट है बट अभी तो यहाँ अप टू 2 डेसिमल पॉइंट ही आए हैं तो देखिए किन दो नंबर का आपको नेक्स्ट स्टेप में मैग्निफिकेशन करना है आप अपने नंबर पे देखिए नंबर इज 4.26 तो देखिए आपका यहाँ तक आपने मैग्निफिकेशन कर दिया है तो ये कहाँ है आपके नंबर लाइन पे हेयर भी है 4.26 तो जो आपको नेक्स्ट स्टेप में मैग्निफिकेशन करना है वो इन दो नंबर्स का करना है ये आपको नेक्स्ट स्टेप में मैग्निफिकेशन करना है ठीक है। अब हम थर्ड स्टेप्स पे आते हैं हमारे थर्ड स्टेप में एक और नंबर लाइन हमें ड्रॉ करना पड़ेगी वी है ना वी नीड अनदर नंबर लाइन थर्ड स्टेप के लिए हमने अनदर नंबर लाइन बना दी हुज स्टार्टिंग
पॉइंट इज 4.26। इसे फिर फर्दर हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, वी विल डिवाइड इट इन टू 10 पार्ट्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and then 10. 10th part is 4.27. 4th part is 4.27. Okay. Then 4.27 और 4.26 के बीच में अब हम इसमें ऐड करेंगे 4.26 में 0.001। तो हमें जो डेसिमल नंबर मिलेंगे वो 3 डेसिमल पॉइंट तक के होंगे। तो 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269, and then 4.270. 4.27 मीन 4.270। अभी हम 3 डेसिमल पॉइंट तक रीच किया है हमने, हमें फर्दर मैग्नीफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे हमारा जो नंबर हमने लिखा है वो 4 डेसिमल पॉइंट तक लिखा है। तो अब फर्दर किसका मैग्नीफिकेशन होगा, आप देखिए आपके 3 डेसिमल पॉइंट तक है 0.262, तो ये कहाँ पे आ रहा है हमारे, दिस वन 0.262 एंड 263। तो जो फर्दर अगले स्टेप में मैग्नीफिकेशन होगा वो इन दो नंबर्स का होगा। ठीक है, अब इन दो नंबर का मैग्नीफिकेशन के लिए वी नीड अनदर नंबर लाइन, हमें क्या चाहिए, एक और नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। तो वी विल ड्रॉ अनदर नंबर लाइन, हम एक और नंबर लाइन बनाएंगे। हमने एक और नंबर लाइन बनाई, थोड़ा आप स्केल की हेल्प लीजिएगा, मैंने स्केल की हेल्प ली लेकिन स्पेस अनइवन होने के कारण से ऐसा हुआ। तो अब आप देखिए किसका फर्दर मैग्नीफिकेशन, तो फर्स्ट नंबर इज 4.262। ठीक है, इसे फर्दर हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, सेम स्टेप्स होते हैं, 10 पार्ट में ही करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and then 10। ये 9, ये 8, आप इस पेंसिल की हेल्प लीजिएगा, मैं यहाँ पेन से बना रहा इसलिए थोड़ा मिस्टेक हो गया। देन नेक्स्ट 4.263, सेकेंड नंबर क्या था मैग्नीफिकेशन का, 4.263। अब जो नंबर्स आएंगे वो अप टू 4 डेसिमल पॉइंट आएंगे बिकॉज 4.262 में ऐड होगा 0.0001, फोर्थ पोजीशन पे 1 है, यानी 10th, 100th, 1000 और 10,000th, 1/1000 पोजीशन पे कौन है, इस पॉइंट 1/1000 पोजीशन पे है 1। हम ये कर रहे हैं 4.262 + 0.0001, तो ये आ जाएगा आपका 4.26261। तो फर्स्ट नंबर ऑफ दिस मैग्नीफिकेशन लाइन इज 4.2621, नेक्स्ट नंबर 4.2622, थर्ड नंबर 4.2623, फोर्थ 4.2624, 4.2625, 4.2626, 4.2727, 4.2828, 4.2630, आप इसे 4.263 बोलें या 2630 बोलें। अब देखिए आप अपना जो नंबर था वो था 4.2626, तो ये आपका नंबर कहाँ पे लाई कर रहा है, इस फोर्थ वाली जो नंबर लाइन आपने मैग्नीफिकेशन के बाद बनाई हेयर। तो देखिए अब आपको फर्दर मैग्नीफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, यही है क्योंकि आपका रिक्वायर्ड आंसर था, तो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। इन दिस वे वी कैन सॉल्व द सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन क्वेश्चन। फर्स्ट जो क्वेश्चन था इसकी लास्ट वीडियो में आपने देखा था, और ये सेकेंड क्वेश्चन था। तो थैंक यू एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके।